पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन, आज हम कंप्यूटर का रिवीजन वर्क 1 करेंगे जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए। क्या कराए हैं? क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्ड रीडर? कार्ड रीडर क्या होता है? अब बारकोड रीडर, व्हाट इज बारकोड रीडर? बारकोड रीडर क्या होता है? अ बारकोड रीडर इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार दैट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट। मतलब एक वर्टिकल कार्ड होता है, जैसे इस तरीके का आपने देखा होगा प्रोडक्ट पे, जहाँ पर ये लाइन सी बनी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन सच एज प्राइस, वहाँ पर प्राइस मेंशन होता है, और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाया गया है, वो मेंशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कार्ड रीडर। कार्ड रीडर क्या होता है? A card reader is a use for reading information stored on a card. Card reader क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके parents के पास जो cards होते हैं, उसमें क्या होता है? Side में एक strip होती है, जिससे क्या होता है? जो भी information होती है bank से related, वो उसको, और एक machine होती है जिसमें swipe करते हैं, तो वो card reader कहलाता है। Such as magnetic strip कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में देखा होगा साइड में, जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड है, यहाँ पर एक ग्रे कलर की पट्टी होती है, उसको हम क्या करते हैं, मशीन में स्वैप करते हैं, तो वो जो मशीन होती है उसको हम कार्ड रीडर कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी? अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स रनिंग इन द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है, जब आप कोई चीज कंप्यूटर खरीदते हो तो जो उसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में चलाने के लिए काफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या होता है? फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द जनरल अरेंजमेंट एंड अपीयरेंसेस ऑफ द टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग से क्या होता है? अगर आपको अपना जो टेक्स्ट है उसे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में भेजना है, तो आप उस फॉर्मेटिंग में जाके अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डीवीडी? अब डीवीडी क्या होता है? डीवीडी इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवी विद द हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो। डीवीडी क्या होती है? एक सर्कल टाइप शेप की होती है, जिसमें क्या होता है, आप मूवी या सॉन्ग या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको उसमें स्टोर कर सकते हो हाई क्वालिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट पे जितनी भी मतलब इंफॉर्मेशन होती हैं उनको आप देख सकते हो। अब है, व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल एक तरीके का, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक लेटर होता है जो आप अपने किसी को भी भेज सकते हो जो आपको अर्जेंटली भेजना होता है। इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टूडे, क्योंकि ये आज के समय का सबसे तेज मोड है कम्युनिकेशन का या बात करने का तरीका। अगर आपको किसी को कंप्लेन करनी है तो भी आप ईमेल कर सकते हो, किसी को लेटर भेजना है तो वो आप ईमेल के, या किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो भी आप ईमेल के साथ भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब ब्राउजर? नेम एनी टू ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर क्या होता है? अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लेट यू एक्सेस द पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर में आप कोई भी चीज, मतलब जो चीज आपको इंटरनेट पर ढूंढनी है, जैसे कौन कौन से होते हैं वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में क्या करते हो, आप कोई भी टॉपिक डालते हो, फिर उस टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी होके मिल जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन व्यू बटन। व्यू बटन क्या होता है? व्यू बटन अपीयर नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसमें क्या होता है, ये बटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एक तरीके का आइकन होता है। आइकन किसको कहते हैं? जो छोटी छोटी पिक्चर्स हमारे
कंप्यूटर के स्क्रीन पर बनी हुई होती हैं, उनको हम आइकन्स कहते हैं। आइकन दैट अपीयर इन द ग्रुप एट द बॉटम ऑफ राइट साइड कॉर्नर। राइट साइड कॉर्नर में छोटे छोटे कई सारे आइकन्स भी होते हैं, वहीं पर आप जब अपना कर्सर लेके जाते हो तो वहां पर आ जाता है ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपीट कमांड। रिपीट कमांड क्या होता है, एक ही काम को अगर ये आपको एक काम कर रहे हो उस काम को आपको 10 बार करना है तो आप 10 बार रिपीट कमांड से उस काम को आप उसमें डाल दोगे कमांड पे और वो अपने आप होता जाएगा, उसमें आपको खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। रिपीट मीन्स डूइंग सम वर्क अगेन एंड अगेन, बार बार वही काम। जैसे आपने कोई पेपर बनाना है, अब उस पेपर पे आपको 10 टाइम पिक्चर ड्रॉ करनी है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको रिपीट कमांड की जरूरत पड़ती है। रिपीट मीन्स डूइंग सम वर्क अगेन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तो जो ट्रायंगल शेप है उसको हम प्रिमिटिव या टर्टल कहते हैं, उससे बार बार रिपीट कमांड होता है। रिपीट कमांड में क्या होता है, वी कैन डू सम कमांड्स अगेन एंड अगेन। आप कुछ कमांड ऐसे होंगे जिनको आप बार बार दे सकते हो, उसके लिए आपको रिपीट कर डालना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन, आपको 10 टाइम्स चाहिए, 20 टाइम्स या जितने भी टाइम्स चाहिए, आप उस कमांड को उतने टाइम्स डालकर फिर वो काम आपका बार बार नेक्स्ट पेज पर रिपीट होता जाता है। तो ये थे हमारे रिविजन वर्क के क्वेश्चन आंसर। अब है एक और क्वेश्चन है, राइट द स्टेप ऑफ हाईलाइटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप कैसे हाईलाइट करते हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सेलेक्ट द पोर्शन। जैसे हमें ये चीज इसको हाईलाइट करना है, जैसे आप लोगों को पता है हाईलाइटर जो इसका मतलब जो अलग ब्राइट कलर के आते हैं वो आपको हाईलाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक द होम टैब, होम टैब पर जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे वहां पर, आप जब उस पर जाओगे हाईलाइटेड टेक्स्ट पर तो वहां पर एक बॉक्स आता है, उसमें कई सारे कलर के हाइलाइटर्स होते हैं, उसमें से जो जिस भी कलर को कलर से आपको ये लाइन हाईलाइट करनी, मान लीजिए हमें ये लाइन हाईलाइट करनी है तो इस लाइन को हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि हमने ये सेलेक्ट कर रखी है, हमको लाइट ग्रे चाहिए, लाइट ग्रीन चाहिए या येलो चाहिए, उस कलर से हम इस लाइन को ग्रीन मतलब कर देंगे और उस कलर पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है हमारी उस कलर की हो जाएगी, मतलब हाईलाइटेड हो जाएगी। तो इन स्टेप्स के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे रिवीजन वर्क के क्वेश्चन आंसर्स कंप्यूटर के, जो आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने और लर्न भी करने हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस।